बैतूल में डिप्टी कलेक्टर और गुरुग्राम के एक युवक द्वारा अनूठा व्यवहार किया गया। उन्होंने संविधान को साक्षी माना और एक दूसरे के बंधन में बंध गए। जी हाँ, 2016 में डिप्टी कलेक्टर बनी और हाल ही में बैतूल में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे द्वारा बैंकॉक में एक बौद्ध विहार में गणतंत्र दिवस के मौके पर गुरुग्राम के सुरेश अग्रवाल के साथ विवाह किया गया। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का कहना है कि वे बालाघाट जिले के ग्राम चिखला की रहने वाली हैं और माता पिता और उनका जीवन बेहद संघर्ष का रहा और बड़ी मुश्किल से उन्होंने पढ़ाई करके इस पद तक वे पहुंची हैं। उनका भारत के संविधान के प्रति आस्था और अटूट विश्वास रहा है। इसके चलते उन्होंने अपने जीवन साथी से संविधान को साक्षी मानकर विवाह करने की इच्छा जाहिर की और उनके जीवन साथी ने भी हां कर दी। इसके बाद वे परिवार के साथ बैंकॉक पहुंचे और वहां पर उन्होंने विवाह कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि निशा की बात बेहद मायने रखती है कि दुनिया का बेहतरीन संविधान भारत का है। अनेकता में एकता का संदेश देने के साथ ही सभी वर्गों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। कुल मिलाकर यह शादी बेहद चर्चा का विषय बनी हुई है कि भारत के संविधान को साक्षी रखकर पहली बार किसी डिप्टी कलेक्टर द्वारा विवाह रचाया गया है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।